हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आलिम। मैं हूं आलिम खान। गाइस, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत की। गाइस, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहां से हुई, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने की, गाइस आज हम इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक व्यक्ति, सऊदी अरब का रहने वाला था मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद भारत में, पश्चिम भारत में उसने विजय प्राप्त की और अपना साम्राज्य को बनाया। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान और सिंध नाम के दो शहर जिसपे उसने कब्जा किया और अपनी सल्तनत की शुरुआत की। गाइस, उसके बाद महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद भारत पर कब्जा किया और अपनी सल्तनत की स्थापना की। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के प्रिय आदमी, उनके प्रिय एक सदस्य से जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अपना शासनकाल सौंप दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। गाइस, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के बाद दिल्ली में 5 राजवंशों की स्थापना हुई। सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई थी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की दिल्ली सल्तनत की। उसमें सबसे पहला वंश है जो गुलाम वंश है। गुलाम वंश के रहने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले गाइस, आज हम आपको बताएंगे गुलाम वंश के बारे में, फिर उसके बाद बताएंगे खिलजी वंश के बारे में। आज की गाइस जो वीडियो है वो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं आज हम गुलाम वंश से। तो गुलाम वंश की स्थापना सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश की जो स्थापना है सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। इन्होंने सबसे पहले 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। गाइस, अगला देखिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि गुलाम वंश जो है 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश की स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी थी उन्होंने लाहौर में अपनी राजधानी को स्थापित किया और लाहौर में स्थापित करने के बाद उन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य कराए। सबसे पहले निर्माण कार्यों में सबसे पहले आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। कुतुब मीनार की जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और उसको पूरा करने का काम, कुतुब मीनार को पूरा करने का जो काम है वो जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कर दिया था, लेकिन नींव जो है कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने रखी थी। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने ही बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा आपने देखा होगा, सुना होगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए थे। उसके बाद आता है गुलाम वंश में सबसे पहली मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्ताना। गुलाम वंश में ही मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्ताना ने सबसे पहले कौरा प्रणाली को अपनाया था। कौरा प्रणाली एक नियम था, एक कानून था जिसको उन्होंने अपनाया, जिससे लोग उनसे बहुत ज्यादा निराश हुए और रजिया सुल्ताना को बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गाइस, कौरा प्रणाली को शासन काल रजिया सुल्तानों को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने उनके अपने कार्यकाल में बहुत सारे निर्माण कार्य किए, बहुत सारी नियम कानून को पास किया और गुलाम वंश के सबसे लास्ट जो व्यक्ति थे, जो शासन काल थे, उनका नाम है शमसुद्दीन कौमर ने ही गुलाम वंश के लास्ट अंतिम निर्माण काल में उन्होंने अपना काम किया। गुलाम वंश के अंतिम शासक भी यही है शमसुद्दीन कौमर, जो गुलाम वंश के आखिरी शासन काल में थे। गुलाम वंश की शुरुआत 1206 में हुई थी और उनकी समाप्ति 1290 में हुई थी।
गाइस ये है गुलाम वंश की कुछ बातें। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा खिलजी वंश, खिलजी वंश की शुरुआत किसने की, खिलजी वंश चला कैसे और खिलजी वंश में निर्माण कार्य किस किसने कराए, ये अगली वीडियो में गाइस आपको बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।